घासीदास नगर स्थित निषाद समाज संघ भिलाई के कार्यालय प्रांगण में निषाद समाज संघ के सामाजिक बंधुओं द्वारा गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर उत्साह पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मिष्ठान वितरण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात निषाद समाज संघ भिलाई की नई कार्यकारिणी के गठन हेतु बैठक भी रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व सैनिक राजेश चौधरी का अध्यक्ष, रामजी साहनी, वेद प्रकाश चौधरी, रमाशंकर चौधरी व बिरजू चौधरी को उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र चौधरी को सचिव, शंकर साहनी, कालिका चौधरी, मधुसूदन साहनी को सह सचिव, नारद मुनि चौधरी को कोषाध्यक्ष सहित संघ के अन्य पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन किया गया। नई कार्यकारिणी को लेकर नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश चौधरी ने मीडिया के समक्ष इस प्रकार से जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं पूर्व सैनिक राजेश चौधरी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे निषाद समाज द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर गया, जिसमें सर्वसम्मति सभी वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यगण ने एक मीटिंग किया, जिस मीटिंग में मुझे समाज का दायित्व, समाज का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं उन्हें दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे एक नई चुनौती समाज के द्वारा दी गई है, समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं समाज के हित के लिए काम करूंगा और आदरणीय मेरे विधायक वैशाली नगर के रिकेश सेन जी ने मुझे निषाद समाज का विधायक प्रतिनिधित्व पहले ही नियुक्त कर दिया था, और मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं और समाज का भी धन्यवाद करता हूं। समाज के लिए जो कार्य करने हैं, जो हित कार्य करने हैं, मैं उस पर खरा उतरूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।